आजकल हमें नहीं ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो जो आउट ना हो, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो तेज खेल सके, जो टीम की रिक्वायरमेंट पे खेल सके। आजकल की जो टेस्ट मैचेस भी है, अभी आपने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की देखे, तो 4 से ऊपर की एवरेज पे स्कोर हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी क्रिकेट चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है कि जो आउट ना हो, हमें ज़रा थोड़ा सा स्कोर तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में चेंज होने की ज़रूरत है। और अब उस तरह के प्लेयर्स है ना, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज रिक्वायरमेंट नहीं है उस तरह के प्लेयरों की। आज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। कल उस तरह की रिक्वायरमेंट थी तो उस तरह के प्लेयर आ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हम प्रश्न कर रहा है सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि पहले भी आप पीटी कोचिंग कर चुके हैं, क्या अब आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा अगर आपको ये ऑर्डर मिले तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? बहुत मुश्किल है ये तो। नहीं, एक तो मैंने कोचिंग पहले नहीं कर रखी, और तो ये तो जिस टाइम कोई आएगी तो उस टाइम देखेंगे। अभी तो बनाया है इन्होंने, अभी मैं तो उनको गुड लक कहूँगा कि जो अभी बने हैं, क्योंकि जी कामरान बना है, समी बना है, और इफ्तखार है यासिर अमीन। सो इनको गुड लक है कि जी ये अच्छा करेंगे, कि जी ये पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं फर्स्ट क्लास का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका। सो अल्लाह करेगा कि जी, मैं तो नई सिलेक्शन कमेटी को गुड लक कहूँगा कि ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई, थैंक यू सो मच। टूर्नामेंट का नंबर वन प्लेयर है और टॉप प्लेयर है, और देखेंगे ये छोटी मोटी चीज़ें, कमज़ोरी वगैरह ना, ये आपके कैरियर के एंड तक भी चलती रहती हैं। कभी भी इंसान कम्प्लीट नहीं होता, सीखने का अमल है ना, हमेशा रहता है। खामियाँ इंसान में हमेशा रहती हैं, ठीक है जी, आप बेहतर, लेकिन जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, डे बाई डे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो अभी यहाँ भी आएगा तो इंशाल्लाह खेलेगा, तो जलमी के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, बाबर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, तो मैं भी उसके साथ काम करूँगा, मेरे लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। ये आला इमरान इंजमाम भाई, बाबर को लेकर पहले भी आकिब जावेद कह चुके हैं कि हम जब वो कराची किंग में होते थे तो हम उनको आउट नहीं करते थे, तो क्योंकि वो स्लो खेलते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप 20 ओवर खेलते हैं, बाबर 100 भी नहीं बनाते, तो फिर आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, या फिर उनकी बैटिंग को लेकर क्या कहेंगे? उनकी कप्तानी में कुछ जीता नहीं है। बाबर तो सारी दुनिया से नहीं आउट हो रहा, तो इसका क्या करें, क्योंकि जी वो तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि जी T20 में नंबर वन प्लेयर है, और देखिए कि हमने लिया है कि जिस रोल में हम चाहते हैं, कि जी जलमी आलो ने जिस रोल में देखा है, तो मेरे ख्याल में बड़े नंबर वन प्लेयर है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जलमी की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जी भाई, आप एज अ कोच पाकिस्तान सुपर लीग से मुंसलिक हैं, ख्वाहिश है कि आपके दौर में PSL होता, आप लोग भी खेलते, आप लोगों ने खेली नहीं? नहीं, जो फीसें वगैरह देखते तो उसके बाद तो दिल करता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो